ये पहले हमारी जो रैली थी मुख्यमंत्री जी आ रहे थे विजय संकल्प रैली, वो 19 तारीख की थी, वो 19 की जगह ना होके अब ये 17 तारीख की है। तो ये मीडिया के माध्यम से हम चाहते थे कि आप लोगों को बताएं कि भाई ये 19 की जगह ना होके अब 17 की है, 17 तारीख शाम 5 बजे डबुआ सब्जी मंडी अनाज मंडी। तो ये किस चीज के लिए आ रहे हैं मुख्यमंत्री जी? आ रहे चुनाव का माहौल है, विजय संकल्प रैली नाम रखा गया उसका। तो क्या कहना चाहेंगे? ये तो अब मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाने के लिए NIT 86 में पहली बार आ रहे हैं, तो हमारा भी कर्तव्य बनता है हर कार्यकर्ता का कि बढ़ चढ़ कर हम उसमें भाग लेंगे और रैली को सफल बनाएंगे। जी सर, आप बताइए आपका नाम। मेरा नाम राकेश खटाना है, मैं ग्रीवेंस कमेटी मेंबर। ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है इसीलिए रखी गई क्योंकि पहले 19 तारीख की रैली का प्रोग्राम था, अब किसी कारणवश वो 17 तारीख की रख दी गई है, तो इसी के लिए ताकि आम लोगों तक ये मैसेज पहुँचे, वो आप लोगों के माध्यम से सभी तक पहुँच जाएगा, तो इसीलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस। मीडिया के माध्यम से मैं ये संदेश देना चाहती हूँ कि आने वाली 17 तारीख को जो बहुत बड़ी जनसभा रखी गई है, उसमें जनता से ये अनुरोध करती हूँ कि वो ज्यादा से ज्यादा तादाद पर वहाँ पे पहुंचकर इस रैली को और बहुत सुंदर बनाए, और आने वाली 25 तारीख को घर से निकलकर नहा धोके बढ़िया से मतदान करें और बीजेपी पार्टी को विश्व गुरु शक्ति बनाए। बहुत बहुत धन्यवाद। जी भाई जी, हमारी जो है माननीय मुख्यमंत्री जी NIT 86 पहली बार आ रहे हैं, तो कार्यकर्ताओं का जोश जो हाई है, और NIT 86 की जनता भी जो है हमारे मतदाता सभी हमारे मुख्यमंत्री को सुनना चाहते हैं, और हमारे माननीय मंत्री जी किशन पाल गुर्जर जी को, जो कि यहाँ से NIT से हमेशा ही उन्हें बहुत ज़्यादा प्यार मिलता है। तो मेरा अनुरोध है सभी आपके चैनल के माध्यम से अपील है अपने मतदाताओं को कि अधिक से अधिक मतदान करें और इस रैली में पहुँचें, उनके संबोधन को सुने और हमारी जो रैली को सफल। जी नमस्कार, सबसे पहले मैं आपके यहाँ पहुँचने पर धन्यवाद करता हूँ, और आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी इसका जो हमारा से सीधा सीधा जो इसका है कि हमें पब्लिक में ये संदेश देना है कि माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच में आ रहे हैं, संदेश को देने के लिए हमारे बीच में हमारे माननीय मंत्री चौधरी कृष्णपाल गुर्जर जी के प्रतिनिधि संदीप भिदूड़ी जी हमारे बीच पहुँचे हैं आज, भाई राकेश खटाना जी, कंवल भडाना जी, अमन भडाना, भाई मनोज बालियान जी, भाई संदीप भडाना जी, मैडम सोनिया अरोड़ा जी, सभी का यहाँ पहुँचने पर मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि पिछले जो चुनावी दौर चल रहा है, हम जगह जगह छोटी छोटी सभाएं भी कर रहे हैं, पर्सनली सबके घर भी जा रहे हैं, सबको निमंत्रण दे रहे हैं, और आगामी जो 19 तारीख की रैली थी वो 17 तारीख पे बदल गई है, तो ये मैसेज आपके माध्यम से सबके पास पहुँचाना चाहते हैं, और आपसे अभी आपके माध्यम से अपील करते हैं कि भारी से भारी जनसंख्या में लोग वहाँ पहुँचे जनसमूह में, और अपार भीड़ के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी को सुने, माननीय चौधरी कृष्णपाल गुर्जर जी को सुने, ये हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है, इतने बड़े हमारे देश के यशस्वी मुख्यमंत्री हमारे बीच में आ रहे हैं, यही संदेश आप सभी के माध्यम से देना चाहिए। जी मेरा नाम मनोज बालियान, CM इंडो एमिनेट पर्सन, हरियाणा की यशस्वी मुख्यमंत्री जी का NIT से विशेष लगाव इसलिए भी है क्योंकि NIT के अंदर वो पूर्व में भी 2-3 बार आ चुके हैं, पैदल यात्रा कर चुके हैं, उनका NIT से विशेष लगाव है, और हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री के साथ साथ में माननीय चौधरी किशनपाल गुर्जर जी जो फरीदाबाद की आन बान शान है, उन्होंने अपने फरीदाबाद का चहुमुखी विकास किया है, उनके नेतृत्व में ये विजय संकल्प रैली का आयोजन किया जा रहा है, और अभी मीडिया बंधुओं ने पूछा था कि भी इस क्या संख्या रहेगी, बहुत अच्छी अपार जनसमूह इस रैली में आएगा, सबको उत्साह है क्योंकि माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी अपने NIT के अंदर काफ़ी समय से पहले भी आ चुके हैं और काम कर चुके हैं, तो इसलिए जनता से हमारा आग्रह है ज़्यादा ज़्यादा सुनने के लिए उनको पहुँचें। धन्यवाद। जो बताया जा रहा है बीजेपी जो रैली निकाली जा रही है जो 19 तारीख की थी, अब वो फिलहाल 17 को कर दी गई, और जितने भी दर्शक अभी फिलहाल इस
को देख रहे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा जो 17 तारीख को कौन सी मंडी बताई थी, डबो सब्जी मंडी ना, डबो सब्जी अनाज मंडी पहुँचे। बाकी आगे के जो भी अपडेट्स होंगे ऐसी तमाम अपडेट्स के साथ फिर से आपको जुड़ूंगा, जब तक देखते रहें पहचान फायदाबाद। नमस्कार।